सिंपली प्योर बाइट्स की इस किचन में आज फिर आपके साथ है और इस सेगमेंट में हमारी ये कोशिश रहती है कि बिना प्याज लहसुन के कैसे ट्रेडिशनल डिशेस को भी हम बना सकते हैं कम तेल में, पौष्टिक और स्वादिष्ट और साथ ही सात्विक। इसमें हमें साथ मिला है बंटी बहन का, तो आज फिर उनका स्वागत करते हैं। अ वेरी वार्म वेलकम। नमस्कार। नमस्कार बंटी बहन, आज आप हमारे लिए क्या लेकर आए हैं? आज मैं आपके लिए सामने लेकर आई हूँ कढ़ी पकौड़े। कढ़ी पकौड़ा, ये तो मुझे लगता है हर नॉर्थ इंडियन के घर में हर संडे को बनता है। सो व्हाट इज सो डिफरेंट अबाउट योर कढ़ी पकौड़ा? इसमें सबसे बड़ी बात है कि मैं इसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट जो आप जिसको समझ के आप उसको फेंक देते हो उसको, उससे मैं कढ़ी बनाने वाली। छिलकों से? नहीं। फिर वेस्ट सब छिलके फेंकते हैं और क्या? देखो, आपने पनीर बनाया, उसका जो पानी निकलता है वो आप फेंक देते हैं। तो मैं उस पानी में दही का खट्टा लगा के उस पानी से मैं कढ़ी बनाऊंगी। तो दही नहीं होगा उसमें? बहुत कम दही। ओके। मतलब जहां आप कढ़ी बनाने के लिए एक पूरा कटोरा दही डालते हो और उसकी जगह पे सिर्फ 2-3 चम्मच दही से। ओके, अच्छा, तो चलिए ये तो बड़ी अच्छी बात रही। और भी कोई खास बात? खास बात ये है कि गर्मियों में अक्सर दही खट्टा हो जाता है। पहले उसका डिप बना लिया और उसके बाद में जो उसका पानी निकला खट्टा, उसकी हम कढ़ी बना देते। अच्छा, हंकर्ड है मतलब उसका? हाँ, भी आप बना लो पानी जो बचा। वो पानी दही का ही तो होता है ना। तो चलिए कढ़ी पकौड़ा आज आप लेकर आई हैं। कोई पकौड़े जो है, हम हर बार ये कहते हैं कि भाई हमारा जो किचन है उसमें बड़ी हेल्दी फूड होता है, तो पकौड़े तो हमेशा डीप फ्राई करके निकाले जाते हैं भारतीय किचन में। मैं तो ये पकौड़े बनाऊंगी बिना तेल के। अब दिस इज अ सरप्राइज कि बिना तेल के पकौड़े कैसे बनाए जाते हैं। सो आई थिंक लेट्स स्टार्ट। क्या करना होगा? सबसे पहले मैं पकौड़ों के लिए ही बैटर तैयार कर लूँगी और फिर उसके बाद में कढ़ी की तैयारी करते हैं। ठीक है। उसके लिए मेरे को चाहिए सबसे पहले थोड़ा बेसन। पकौड़ों के लिए सबसे पहले ये होता है कि हमको थोड़ा देर इसको घोल को तैयार करना होता है, जिससे कि बेसन में पूरी तरह से मॉइस्चर आ जाए। पहले हम इसको गाढ़ा घोल बनाएंगे जिसके लिए इसमें लम्स ना रह जाए। पकौड़ों के लिए हमेशा एकदम से बेसन घोल के सीधा ही पकौड़े नहीं तल देना चाहिए। ओके। इसको थोड़ी देर तक बेसन जो है वो पानी में भीगा रहे तो उससे बेसन में पूरी तरह से मॉइस्चर आ जाता है। अब इसमें थोड़ा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च, अमचूर डालेंगे इसमें। कई बार बड़े सूखे बनते हैं पकौड़े। नहीं, अभी ये सूखे नहीं बनेंगे, अभी ये थोड़ी देर भीग जाएगा। इतनी देर में मैं कढ़ी का तैयारी करती हूँ। इसमें मैं थोड़ा सा इनो सॉल्ट भी डालूंगी, बनाने से बिल्कुल तुरंत पहले ही मैं डालूंगी। अभी ये तो हो गई तैयारी, अब मैं कढ़ी की तैयारी करती हूँ। तो बंटी बहन, ये तो तैयारी आपने की पकौड़ों की, अब कढ़ी के लिए क्या करना है? कढ़ी के लिए मैं सबसे पहले ये थोड़ा सा दही ले रही हूँ, इसमें मैं बेसन डाल दूँगी, जो पनीर का पानी है ये इसमें मिला दूंगी। इसको मैं छन्नी में से छान रही हूँ जिससे कि इसमें कोई भी लम्स ना रह जाए। कि तो ये आपका कढ़ी का बैटर जो है वो तैयार हो रहा है। ज़्यादातर घरों में ये कहा जाता था कि पूरे हफ्ते थोड़ा 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 दही जो है वो बचता है, वो बचाते रहो, फिर संडे को कढ़ी बनेगी। वो पूरा दही यूज़ होता था। अब मैं इस पानी को कढ़ाई में डाल। तो बंटी बहन, अब कढ़ी पहले बनेगी या पकौड़े बनेंगे? पहले मैं कढ़ी बनने रखूंगी क्योंकि कढ़ी का मतलब ही है कि कढ़ना। तो जितनी देर में कढ़ी कढ़ेगी उतनी देर में हमारे पकौड़े बन जाएंगे। और कढ़ी का मतलब ये भी था, कढ़ाई में कढ़ना। अब मैं इसमें ये डाल रही हूँ। अब इसमें मैं थोड़ा सा नमक, आपने ये कढ़ी पत्ता भी डाल दिया। ये अपम मेकर है, इसमें मैं आपके ये कढ़ी के लिए पकौड़े तैयार करूँगी। इसको गर्म होने देंगे आप पहले? इसको गर्म होने देंगे। अब देखिए ये बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बन गया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा इनो सॉल्ट डालूंगी। थोड़ा सा मैंने ग्रीस कर दिया था इसको, हल्का सा चम्मच से आप डालिए और बिल्कुल ऊपर तक नहीं भरिए क्योंकि ये फूलेगा तो फिर, नहीं तो फिर चारों तरफ से ओवरफ्लो हो जाएगा। इसीलिए जो कंसिस्टेंसी है आपके ये पकौड़े और बेसन, ये बेसन की वो थिक है थोड़ी। अच्छा, ये अपने आप फूलने लग जाते हैं? हाँ, ये अपने आप से फूल जाते हैं जैसे इसमें डालोगे ना। अब मैं ये चेक कर रही हूँ कि ये बन गए हैं कि नहीं। बस ये जैसे ये पकेंगे ये अपना सरफेस छोड़ देते हैं। दिस लुक्स नाइस, और बड़ा क्रिस्पी लग रहा है ये पूरा। ये तो बन गए पूरी तरह से? जी, ये पकौड़े दोनों तरफ से बहुत अच्छे से सिक गए हैं। तो बेसन के पकौड़े बिना तेल के हमारे सामने हैं।
इतने टेस्टी हमारे और बिना ऑयल के पकौड़े तो तैयार हैं। कढ़ी भी मुझे लगता है अब कड़ गई है। हाँ जी, अब मैं इसका तड़का तैयार करने लगी हूँ। तड़के की कटोरी में मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी। अब इसमें मैं थोड़ा सा जीरा डालूंगी। आपने अभी जीरा डाला जी। अदरक डालूंगी, थोड़ी सी हरी मिर्च। अब मैं गैस को बंद कर दूंगी। थोड़ा सा ये मेथी दाना, हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ा सा सौंफ। अब इसमें थोड़ी सी हींग डालूंगी मैं। अब इसमें मैं ये थोड़ी सी एक दो लाल मिर्च तोड़ के डालूंगी। थोड़ा सा ये सूखा धनिया डाल दिया। तो आपका ये अब तड़का जो है ऑलमोस्ट तैयार लग रहा है, मुझे काफी सारा है। ये हमारा तड़का तैयार है। देखो गैस पूरा ये बंद है। अब मैं इस तड़के को कड़ी में डाल रही हूँ। स्ट्रेट आपने कड़ी में डाल दिया जी। हमारी ये कड़ी ऑलमोस्ट तैयार है कड़ के। बस ये कड़ी तैयार है। देखो इसकी कितनी सुंदर रंगत आ गई है। अब मैं इसमें ये पकौड़े डाल देती हूँ। तो हमारी ये कड़ी अब अपने आप को चखाने के लिए तैयार है। सो क्रिएटिविटी इन एवरी फील्ड। अगर हम खाने के क्षेत्र में भी देखें तो बहुत सी बातें ऐसी हैं जो हम खुद इनोवेशन में डाल सकते हैं, इनोवेटिवली कर सकते हैं। बंटी बहन, आई कैन सी दैट येलो कलर। मुझे लग रहा है कि ये कड़ी अब तैयार है। जी अभी कड़ी बिल्कुल तैयार हो गई है। अब मैं इसको बोल में ट्रांसफर करती हूँ। कड़ी की हांडी आज आपको दी जा रही है बंटी बहन। तो बंटी बहन, आपकी ये कड़ी मुझे लगता है बिल्कुल तैयार हो गई है खाने के लिए। आपने इसमें क्या किया? हरा धनिया और ये चुटकी भर गरम मसाला। वही चुटकी भर गरम मसाला हमारे सिंपली प्योर बाइस की खासियत होता जा रहा है। अब ये कड़ी तैयार है। कभी लगे कि कड़ी जो है बहुत खट्टी बनी है तो आप उसमें थोड़ा सा गुड़ या चीनी भी उसमें डाल के उसके स्वाद को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो कई सारे मसालों से बनी हुई हमारी कड़ी पकौड़ों वाली तैयार है। पंजाबी कड़ी हुई ना ये तो? जी जी जी, पकौड़ों वाली कड़ी पंजाबी। तो अब ट्राई करते हैं इस कड़ी पकौड़े को बंटी बहन। खट्टी खट्टी कड़ी लेकिन बहुत टेस्टी है। थैंक यू सो मच। हम इसे एंजॉय करते हैं और आप देखें ये रीकैप। पकौड़े वाली कड़ी बनाने के लिए आपको चाहिए दूध से बने हुए पनीर का बचा हुआ पानी 2 लीटर, दही 2 चम्मच, बेसन 3 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार और हल्दी पाउडर 1 चम्मच। पकौड़े बनाने के लिए आपको चाहिए 1 कटोरी बेसन, स्वाद अनुसार नमक, 1/4 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर और 1 चम्मच फ्रूट सॉल्ट इनो। कड़ी में तड़का लगाने के लिए आपको चाहिए थोड़ा सा तेल, 1 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच मेथी दाना, 1/4 चम्मच अदरक का पेस्ट, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच सौंफ, चुटकी भर हींग, थोड़ा सा कड़ी पत्ता, 1/4 चम्मच गरम मसाला, 2 साबुत लाल मिर्च। पकौड़े वाली कड़ी बनाने के लिए पहले हम पकौड़े का बैटर तैयार करेंगे। उसके लिए हमें चाहिए 1 कटोरी बेसन, थोड़ा सा नमक, लाल मिर्च, अमचूर पाउडर। अब थोड़ी देर के लिए इसे रख देंगे ताकि बेसन पूरी तरह से पानी से रच जाए। कड़ी बनाने के लिए आप एक बोल में थोड़ा सा दही डालें, 3 चम्मच बेसन डालें, दूध से बने हुए पनीर का बचा हुआ पानी लें। अब इसे छलनी से छान लें ताकि कोई लम्स ना बचे। इस पूरे घोल को कढ़ाई में डाल दें और पकने के लिए रख दें। इसमें थोड़ा सा नमक और कड़ी पत्ता डाल दें। दूसरी तरफ हमारे पकौड़े बनने को अब तैयार हो चुके हैं। आप अप्पम मेकर को गैस पर रखें और पकौड़े बनाने के बैटर में आप 1 चम्मच फ्रूट सॉल्ट इनो डाल दें। अब इस घोल को अच्छी तरह से मिलाएं। अब इस बैटर को अप्पम मेकर में डालते जाएं। ऊपर से थोड़ा सा ऑयल डाल दें। चाकू डालकर ये देखें कि क्या पकौड़ा अपनी जगह छोड़ रहा है। अगर वो ब्राउन होने लगे और अपनी जगह छोड़े तो आप उसे पलट लें। थोड़ी देर में आप पाएंगे कि बिना तले हुए आपके ये पूरी तरह से पके हुए करारे पकौड़े तैयार हैं। अब बारी है कड़ी के तड़के की। तड़के वाली कटोरी में थोड़ा सा तेल डालें, 1 चम्मच जीरा डालें, 1/2 चम्मच मेथी दाना डालें, 1/4 चम्मच अदरक का पेस्ट डालें, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालें, 1 चम्मच धनिया पाउडर डालें, 1/2 चम्मच सौंफ डालें, चुटकी भर हींग डालें और 2 साबुत लाल मिर्च डाल दें। अब ये तड़का आप सीधे कढ़ाई में कड़ रही कड़ी में डाल दें। जब ये कड़ी थोड़ी सी कड़ जाए तो इसमें पकौड़े डाल दें और आंच को धीमी करके इसे पकने दें।
बिना तले हुए पकौड़ों की ये कड़ी अब आपके लिए तैयार है। इस कड़ी को खाएं उबले हुए चावल के साथ। आज का टिप ऑफ द डे है, कड़ी बिना चावलों के तो अधूरी है, तो चावल जितने खिले खिले बनेंगे उतने ही खाने में भी स्वादिष्ट हैं और देखने में भी सुंदर लगते हैं। चावल खिले खिले बने उसके लिए है कि चावल बनने के बिल्कुल थोड़ा टाइम, जब तैयार होने से थोड़ा उसमें पानी रह जाए तो उसमें एक चम्मच अगर नींबू का रस डाल दें तो चावल अलग अलग बनेंगे।